एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसकी आईब्रो बहुत ही घनी और लंबी होती है उनको किस तरीके से ब्यूटीफुल सा शेप दो। बहुत ही अच्छी आईब्रो आर्च, आईब्रो का आर्च जो होता है वो बहुत ही मस्त सा बना था। तो किस तरीके से मैंने बनाया है पूरा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको देख के हो सकता है कि हेल्प मिले इस वीडियो से, तो पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और हाँ गाइस, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो उस पर मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियो डालती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉगिंग वीडियो देखना, ब्लॉगिंग वीडियो डालती हूँ एंड ब्यूटी टिप्स बताते रहती हूँ कुछ कुछ, तो आप उस पर जाके पैक वगैरह जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो सारी बताती हूँ। तो वहाँ पे जाके आप मुझे देख सकते हैं और मेरा ब्लॉगिंग वीडियो, कहीं घूम रहे हैं, घर में मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस चैनल को भी सब प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा और ग्रो कर पाऊँ और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो गाइज, ये है थ्रेडिंग, देख सकते हो कितनी ज़्यादा लॉन्ग, तो बहुत ज़्यादा लंबी और घनी है इनकी थ्रेडिंग, आप देख सकते हो। तो इनका थ्रेडिंग करने वाली हूँ, काफ़ी टाइम से इन्होंने 7-8 मंथ से थ्रेडिंग नहीं करवाई है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, आप लोग बोलते हो कि मैं भी दिखूँ वीडियोज़ में थ्रेडिंग करते टाइम, तो अगर मैं दिखूँगी तो आपको अच्छे से थ्रेडिंग समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं सिर्फ काम पर फोकस करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं दिखूँगी तो इनकी थ्रेडिंग आपको बहुत छोटी दिखेगी और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। हाँ, अगर आपको मुझसे बस हर पूरा वीडियो में मुझे देखना है तो आप मुझे मेरी ब्लॉगिंग चैनल को देख लो, इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाई ब्लॉगिंग चैनल का नाम है, वहाँ पर सिर्फ मैं ही दिखती हूँ। जितनी देर का भी वीडियो होता है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, सिर्फ मैं ही दिखूँगी। और हाँ, मेरे बच्चे बच्चे दिखते हैं लेकिन साथ में ही दिखते हैं, तो आप वो वाली चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने अच्छा सा शेप दे दिया है इनके थ्रेडिंग को, देख सकते हो। तो इस तरीके से फिर ऊपर से शेप देने के बाद से इस तरीके से इसको खिंचवा लेना है थ्रेडिंग को, और नीचे से इस तरीके से हल्के हल्के हेयर्स को निकालते जाना है। ओके, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक एक हेयर्स को लेके मैंने इतना जूम इसलिए किया था कि आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से लाइनिंग देते जानी है। और हेयर्स को रिमूव करते जाना है। तो ये वाली वीडियो में थोड़ी सी जूम हो गई है वीडियो, तो प्लीज़ डोंट माइंड। एंड सेकंड आई थ्रेडिंग आईब्रो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट इनका आईब्रो का शेप देखिए कितना प्यारा आया है और पूरी लॉन्ग है आईब्रो, जितनी चाहिए होती है हमको उतनी है। तो चलिए, सेकंड आईब्रोज की उठ गई थी थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, सेकेंड आईब्रोज की तरफ चलते हैं और उसको शेप करते हैं। तो ये है इनका सेकेंड आईब्रो, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है। चलिए इसको भी आप सेव करते हैं और आप अच्छे से देख लीजिए। तो पहले मैं बीच में जो हेयर बचे हैं नोज के पास, उसको मैं पीछे जाके और इस तरीके से रिमूव कर ले रही हूँ। ओके, तो आराम आराम से, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है और बिल्कुल भी स्किन पे धागे को रगड़ना नहीं, एकदम हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचते हुए ऊपर की थ्रेडिंग को रिमूव करना है, सॉरी ऊपर के हेयर को एक लाइन में अच्छे से रिमूव करना है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर की थ्रेडिंग पूरी रिमूव कर ली है, ऊपर की आईब्रो रिमूव कर ली है, ऊपर के हेयर को आईब्रो के। अब नीचे के लिए इस तरीके से खिंचवा लेना है और हल्के हाथों से एक एक बालों हेयर को लेते हुए और रिमूव करना है। ओके, ध्यान से देख लीजिए, अच्छी सी लाइन देते हुए। इनकी आईब्रो का शेप इसी तरीके का था, बस मुझे थोड़ा थोड़ा शेप दे देना एक्स्ट्रा निकालते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा इनके थ्रेडिंग में। वैसे मैं अच्छे से समझा भी दूँगी कि कैसे किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से हेयर को धीरे धीरे रिमूव करना है, एक लाइन बनाती हुई। आप देख सकते हो साइड के हेयर को मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है ताकि इनकी थ्रेडिंग बिगड़ ना जाए। तो इस तरीके से, और एक्स्ट्रा हेयर्स को कट कर दिया है, और इनका फाइनल लुक क्या है वो देख लीजिए, अच्छी सी शेप आ गई है इनके थ्रेडिंग में। और थोड़ा सा जो बचा हुआ है इस आईब्रो के अकॉर्डिंग, ये वाली थोड़ी चौड़ी लग रही थी, तो यहाँ पे एक एक हेयर और रिमूव कर देंगे हम लोग ताकि
एक जैसी दिखे दोनों आईब्रोज। ओके, तो इनका फाइनल लुक क्या है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरीके की थ्रेडिंग आज बनाई थी, तो ये है इनका फाइनल लुक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो इनकी थ्रेडिंग, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, इनका थ्रेडिंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाई चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय।